नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक छोटा सा प्याज कैसे 100 से ज्यादा बीमारियों का इलाज कर सकता है और हर बीमारी में इसको कैसे इस्तेमाल करना है, आज इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी देने वाली हूं। तो अगर आपके घर में भी प्याज रखा है और आपको है कोई बीमारी, तो ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा और फॉलो जरूर करिएगा। हो सकता है आपके लिए फ्यूचर में घर बैठे बैठे इलाज करना हो जाए बहुत ज्यादा आसान। ये आपके पैसे भी बचाएगा और आपकी प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म करेगा। तो चलिए जानते हैं प्याज से होने वाले फायदे। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, गंजेपन के शिकार हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, प्याज का रस निकालना है। जो बिल्कुल लाल प्याज हो उसका रस निकालिए, उसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और जहां भी आपके बाल उड़ते जा रहे हैं या अपने पूरे स्कैल्प में अच्छे से उस रस को लगा लीजिए। इससे आप कुछ ही दिनों में देखेंगे कि आपके बाल झड़ने रुक गए हैं और वहां पर नए बाल उग आए हैं। ऐसा आपको हफ्ते में 2 बार करना है। अगर आपके सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है ठंड की वजह से या गर्मी की वजह से, तो आपने उसके लिए क्या करना है, प्याज के रस में नमक और काली मिर्च का पाउडर मिलाना है और अपने सर पर उससे मालिश करनी है। फिर आप देखेंगे कि कैसे चुटकियों में आपके सर का दर्द गायब हो गया है। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, उसको बहुत ज़्यादा कफ होता है या आपको सांस लेने में तकलीफ है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, 5 से 10 मिलीलीटर रस में आपने प्याज को घिस लेना है, उसका रस निकालना है और रस की जो क्वांटिटी होगी वो 5 से 10 मिलीलीटर होगी और उसमें 10 ग्राम शक्कर मिलाकर बच्चे को देना है या बड़ा इंसान भी ले सकता है। इससे आप खुद नोटिस करेंगे आपका जितना भी कंजेशन था, कफ की समस्या थी, वो बिल्कुल खत्म हो गई है। अगर आपके पेट में भी बहुत ज़्यादा गैस बनती है, एसिडिटी की समस्या है या आपको भूख बहुत कम लगती है, तो ऐसे में अगर आप इस तरीके से प्याज का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पेट से जुड़े सारे रोग दूर हो जाएंगे, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, आपको भूख अच्छे से लगने लगेगी, आपका पेट ढंग से साफ हो जाएगा। इसके लिए आपको प्याज को आग में गर्म करके उसका रस निकाल लेना है। इस रस में 1 ग्राम नमक मिलाकर आपको पीना है, जिससे कि आपके पेट की सारी एसिडिटी दूर हो जाएगी। आपको जितनी भी ब्लॉटिंग की समस्या थी, खट्टी डिकारों की समस्या थी या आपका पेट में दर्द होता था, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप सुबह अच्छे से फ्रेश हो पाएंगे और साथ में आपको भूख भी खुलकर लगेगी। अगर आपके पेट में कीड़े हो गए हैं, तो उसका इलाज भी प्याज के द्वारा हो सकता है। आपको प्याज का रस 1 चम्मच हर 2-2 घंटे बाद लेना है। ऐसा अगर आप पूरा दिन लेते हैं तो आपके पेट में जितने भी कीड़े होंगे वो मर जाएंगे और आपका पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर आपको भी पेशाब बहुत ज़्यादा आता है, आपको समस्या है सर्दी में या गर्मी में, या आपकी उम्र जब हो जाती है तो आपको बार बार बाथरूम जाने की समस्या होती है, तो ऐसे में आप प्याज के द्वारा उसका इलाज कर सकते हैं। आपने 4 प्याजों को पीसकर चटनी बनाकर उसमें इतना ही गेहूं का आटा डालकर हलवा बना लें और फिर हल्का सा गर्म रहने पर पेट पर इसका लेट कर लेप लगाएं। इससे आपको बार बार पेशाब आने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर आपके सर में जुएं पड़ गई हैं या आपके बच्चे के सर में जुएं पड़ गई हैं, तो प्याज का रस डायरेक्टली सर पर लगाएं, इससे वो जुएं मर जाएंगी। आपको कोई बाहरी शैम्पू या कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके सारे जुएं ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपके आंखों के आगे धुंधलापन आ गया है, मोतियाबिंद की समस्या आ रही है, तो आपने प्याज के रस को शहद में मिलाकर आंखों में काजल की तरह लगाना है। इससे आप देखेंगे कि अगर हफ्ते में 2 बार आप ऐसा करते हैं तो आपकी आंखों के आगे जो धुंधलापन आ गया था वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ने लग जाएगी। अगर आप किसी सफर पे जाते हैं और आपका जी मचलाता है, आपको उल्टी आने को होती है या आपको उबकाई आती है, तो उससे आधा घंटा पहले आपको एक प्याज का रस और 1 चम्मच अदरक के रस को मिलाकर उसका सेवन करना है। इससे आप आराम से वो सफ़र तय कर पाएंगे। अगर आपको भी गाड़ी में वॉमिटिंग आती है या लंबे ट्रैवल पर वॉमिटिंग आती है, तो एक बार ये नुस्खा आजमा के देखेगा और फिर देखेगा कि आपका प्रॉब्लम कैसे जड़ से ख़त्म हो गई है। अगर आपको भी खूनी अतिसार है, यानी खूनी दस्त आते हैं, तो प्याज को काटकर पानी से धोकर ताज़े दही के साथ खाने से आपके खूनी अतिसार में आपको बहुत लाभ मिलेगा, आपका ये रोग जड़ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके फेस पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं या आपके स्किन पे पिंपल के मार्क्स हैं, तो प्याज को घिसकर 5 मिनट के लिए कॉटन से अपने चेहरे पर लगाएं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करके लगाएं, तो आप इसे देखेंगे कि आपके जितने भी फेस के दाग धब्बे थे, एक्नी मार्क्स थे, वो बिल्कुल गायब हो गए हैं और आपका फेस एकदम साफ हो जाएगा। अगर आपको गठिया की समस्या है, जोड़ों में दर्द और सूजन की समस्या रहती है या आपके घर में किसी को ये समस्या है,
तो सरसों के तेल और प्याज के रस को मिलाकर मालिश करने से आपके जोड़ों का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। या प्याज के रस और राई के तेल को बराबर मात्रा में मिलाकर भी मालिश कर सकते हैं। इससे आपका गठिया का रोग ठीक नहीं बल्कि नष्ट हो जाएगा और आपको दोबारा कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आई होप कि आपको मेरा ये प्यारा सा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्याज और उसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। अगर वीडियो बनाने बैठूंगी तो शायद 2-3 घंटे इसके फ़ायदे ख़त्म ही नहीं होंगे, क्योंकि 100 से ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं। फिर भी मैंने अपनी इस वीडियो में मैक्सिमम बीमारियों को कवर करने का ट्राई करा है, क्योंकि जो बेसिक प्रॉब्लम्स हर किसी को फेस करनी पड़ती है उसका इलाज आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं सिर्फ प्याज के इस्तेमाल से। कैसे इस्तेमाल करना है हर बीमारी में मैंने आपको वो भी बताया है। तो अगर आप भी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अभी जाकर उसका खुद से इलाज करिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसे ही हमेशा आपका ख्याल रखती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी। लव यू ऑल।